नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी खुददार कहानी बताऊंगा जिससे आपको ऐसा मोटिवेशन मिलेगा कि आपको लगेगा कि जीवन में हम भी कुछ कर सकते हैं। आज अपन बात करेंगे मध्य प्रदेश के रहने वाले अरुण कुशवाहा के बारे में। इनकी हाइट बहुत कम है और बचपन में इनके दोस्तों ने, परिवार वालों ने, समाज वालों ने इनका खूब मजाक उड़ाया इनकी हाइट को लेकर। इनकी हाइट को लेकर इनका इतना मजाक उड़ता था ना, कभी कभी तो ये डिप्रेशन में चले जाते थे। ये अपने जीवन के बारे में बताते हैं कि मैंने लोगों का इतना मजाक सहन किया, शायद किसी ने सहन नहीं किया होगा। यह कभी कभी बचपन में सोचते थे कि मैं आगे चलकर क्या करूंगा, क्या ऐसे ही मेरे जीवन में लोग मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे। लेकिन इन्होंने कभी अपने जीवन में हिम्मत नहीं हारी। पता है जिन लोगों ने, जिन दोस्तों ने इनका मजाक उड़ाया था ना, आज इनको फोन करके ऑटोग्राफ के बारे में पूछते हैं। आज इनको फोन करके कहते हैं कि हमें भी तुम्हारे साथ रख ले, हम भी तुम्हारे साथ में आने चाहते हैं। तो यह होता है जीवन में संघर्ष, और आपको इस तरह से आगे बढ़ना होगा। अगर आप में भी कोई शारीरिक अक्षमता है या आप भी ऐसे ही हीन भावना से ग्रसित हैं, तो आपको इन अरुण कुशवाहा से सीखना चाहिए कि जीवन में हजारों मुश्किलें आएगी, लेकिन आपको उठ के बैठना होगा और जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। अगर आप लोगों की आलोचनाओं से, आप लोगों की मजाक उड़ाने से अगर डर गए ना, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको इन सब बातों को इग्नोर करना होगा और आपको जीवन में आगे बढ़ना होगा। इनकी छोटी सी स्टोरी है, देखिए अपन पढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के रहने वाले अरुण कुशवाहा की हाइट काफी कम है। कद छोटा होने के कारण उनके दोस्त, समाज, रिश्तेदार सब उनके मजाक उड़ाते थे स्कूल में और खेलने में। जब वो बचपन में स्कूल जाते थे, उनके दोस्त उनकी मजाक उड़ाते थे। अपने दोस्तों के साथ में वो खेलते थे तब उनके मजाक उड़ाते थे, अरे यार तेरी हाइट बहुत छोटी यार, तू हमारे साथ नहीं खेल सकता। कभी कभी तो अकेले में, कहते हैं कि जब बचपन में कभी कभी तो दोस्त जब उनकी मजाक उड़ाते थे ना, तो अकेले में जाकर रोते थे। अपने मम्मी पापा को ये सारी बात बताते थे, मम्मी पापा भी उनको विश्वास दिलाते थे कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ ऐसा करना, आज तेरी हंसी उड़ रही है ना, भविष्य में यही लोग तेरी तारीफ करें, कुछ ऐसा करना। और इन्होंने करके दिखाया, हर जगह उनकी मजाक उड़ती। फिर इन्होंने JNU से रशियन लैंग्वेज में BA ऑनर्स किया, सरकारी नौकरी की तैयारी की। इनको लगा कि यार JNU से इन्होंने रशियन लैंग्वेज में BA ऑनर्स किया, इनको लगा कि यार सरकारी नौकरी की तैयारी करनी चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। इन्होंने करी भी, लेकिन उसमें इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर इन्होंने विप्रो में जॉब किया। इनको शुरू से वीडियो एडिटिंग, एक्टिंग का शौक था। इनको क्या था कि शुरू से वीडियो बनाना, एक्टिंग करना, किसी की मिमिक्री करना और कंटेंट लिखना, ये इनका शौक था। लेकिन इन्होंने इस शौक को भी पेशन नहीं बनाया, बस ऐसे ही, वाह चलो थोड़े थोड़े कहीं कहीं यार दोस्तों के बीच में, परिवार में, समाज में, बस ऐसे ही कभी कभी मिल जाता था, वीडियो एडिटिंग करते, किसी की मिमिक्री करते या एक अच्छा वीडियो बनाते, ये इनका शौक था। जब विप्रो में थे तब इनको पहली सैलरी मिली, उससे इन्होंने लैपटॉप लिया, फिर कैमरा और फिर सारा सेटअप तैयार किया। इन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने सोचा कि यार मैं अपने सपने को जीता हूँ। लेकिन इन्होंने ये भी सोचा कि मैं जॉब और अपने सपने दोनों को साथ में चलूंगा। मान लो अपना सपना पूरा नहीं हुआ तो जॉब तो नहीं छूटेगी। कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना, आप कुछ रेस उठाते हो ना, तो पीछे आपके बैकअप प्लान होना जरूरी है। आप सारा रिस्क उठा लिया, पीछे बैकअप प्लान नहीं है, तो फिर अगर मान लो इन केस बाय द वे कुछ भी मिस हैपनिंग हो गई, तो आप वापस कैसे उठोगे? अगर आपके पास बैकअप प्लान नहीं है तो आप गिर जाओगे और जीवन में कभी नहीं उठ पाओगे। आप बिजनेस में हो या कहीं पे भी हो, अगर आप रिस्क उठाना चाहते हो ना, थोड़ा बहुत बैकअप प्लान होना चाहिए। 2014-15 में इन्होंने यूट्यूब चैनल छोटे मियाँ
के नाम से स्टार्ट किया। 2014-15 में इन्होंने छोटे मियाँ भी इनकी चैनल का नाम रखने का एक पीछे तर गई। इनकी हाइट छोटी थी तो इनको लगा कि यार मैं सारा सब कुछ रोल सब कुछ मैं कहूँगा तो मेरे को एक नाम भी ऐसे रखना था। इन्होंने छोटे मियाँ नाम करके यूट्यूब चैनल चलाया और यहीं से इनकी किस्मत बदली, यहीं से इनकी किस्मत चमकी। इस पर कॉमेडी, मिमिक्री और कंटेंट लिखते हैं, आप देख लेना यूट्यूब पर छोटे मियाँ नाम के इनका चैनल है। यहीं पे कॉमेडी करते हैं, मिमिक्री करते हैं और कंटेंट लिखते हैं। आज इनके चैनल पर 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। आपको पता, आज इनके चैनल पर 12 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इतने पॉपुलर हो चुके हैं ये। और अभी आप देखिए, अभी हाल ही में 10वीं मूवी आई थी, अभी आपने देखी होगी, हाल ही में 10वीं मूवी आई OTT पर, अभिषेक बच्चन की। इसमें इन्होंने अभिषेक बच्चन के साथ में काम किया, इसमें इन्होंने घंटी का रोल किया है। और ये पंकज त्रिपाठी के साथ में भी काम कर चुके हैं एक समय पर। ऐसी जिंदगी जी रहे थे कि हर लोग, परिवार, समाज सब इनकी मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन आज इन्होंने अपनी मेहनत, अपने दम पर हजारों नकारात्मक विचारों को से निकलकर हजारों पॉजिटिव विचार इन्होंने अपने दिमाग में भरे। और आज जो समाज के लोग, जो दोस्त, जो रिश्तेदार सब इनकी मजाक उड़ाते थे ना छोटे हाइट को लेकर, आज वही इनको फोन करते हैं और इनकी तारीफों के पुल बांधते हैं।